हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं अनिल कश्यप और आज हम पढ़ेंगे सैन लर्नर्स या लर्निंग के बारे में। सैन क्या होता है, इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं और स्कूल में ये कैसे अप्लाई होता है और इसके लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कुछ कहा है। यह है बीएड में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएड से रिलेटेड कंटेंट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है सैन लर्नर्स। सैन का मतलब क्या है? सैन का मतलब है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, कि जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशनल नीड्स की जरूरत हो। ये डिनोट करता है कि जो भी लर्नर्स हैं उनमें क्या होगी, नॉर्मल ग्रोथ से उनकी ग्रोथ किस बेस पे अलग हो जाएगी। वो फिजिकली थोड़े अलग डेवलप होंगे, मेंटली अलग डेवलप होंगे, बिहेवियर हो सकता है उनमें चेंज हो और इमोशनल बेसिस पे उनमें कुछ डिफरेंस हो इफ वी कंपेयर विद नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, ऐसे बच्चों को हम कहेंगे स्पेशल एजुकेशनल नीड्स लर्नर्स। ओके, उन्हें रेगुलर क्लासरूम से बेनिफिट नहीं हो सकता, इसलिए हमें उन्हें कुछ स्पेशल एजुकेशनल ट्रीटमेंट देने होंगे, उन्हें एकोमोडेट करना पड़ेगा और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज करनी होगी रेगुलर स्कूल में, ताकि उनके जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके लिए जो विलियम एम क्रुकशैंक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ए सैन लर्नर इज हु डेविएट्स फिजिकली इंटेलेक्चुअली सोशली सो मार्क्ड बाय द नॉर्मल ग्रोथ। कि नॉर्मल ग्रोथ से उनकी ग्रोथ क्या है, फिजिकली बेस पे, इंटेलेक्चुअली बेस पे, सोशली बेस पे थोड़ी अलग होती है और उन्हें रेगुलर स्कूल से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए हमें उनको स्कूल्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि उन्हें हम हेल्प कर सकें। तो इन बातों से हम समझ गए कि सैन लर्नर्स क्या है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी जो ग्रोथ है वो फिजिकली बेस पे, मेंटल बेस पे, सोशल बेस पे या इमोशनल बेस पे नॉर्मल बच्चों से थोड़ी अलग होगी। ऐसे बच्चों को चाहिए स्पेशल नीड्स। और क्या है, उन्हें क्लासरूम में, रेगुलर क्लासरूम में बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी, स्पेशल प्रोग्राम्स रखने होंगे, एकोमोडेशन रखनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, सैन लर्नर्स रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन नॉर्मल स्कूल टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं अगर उनमें कोई डिसेबिलिटी है तो उनमें क्षमता नहीं है, उनमें पूरी क्षमता है, पर हमें उन्हें निखारना होगा बाय सपोर्टिंग देम, बाय गिविंग देम मेंटल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट एंड फिजिकल सपोर्ट, ताकि उनका जो पोटेंशियल है, क्षमता है, वो बढ़ सके। चलिए देखते हैं आगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा। जो 1990 में जॉनिथन थाईलैंड में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल हुई थी, उसमें 150 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और मोर देन 150 एनजीओज ने, और सबने ये कहा था कि हमें सैन लर्नर्स को या पर्सन विद डिसेबिलिटी को इक्वल राइट देने होंगे और सभी तरह के बच्चों के लिए इक्वल राइट्स और इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना होगा। तो इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इस पे बात कही गई थी। देन 1994 में सलमान का स्टेटमेंट हुई थी, जो कि हुई थी स्पेन में। इसमें 92 कंट्रीज ने भाग लिया था और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। सभी ने ये अडॉप्ट किया कि जो रेगुलर स्कूल्स हैं उनमें क्या होगा, ऐसी एकोमोडेशन होगी ताकि जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं उनके हम नीड को पहचान सके और उन्हें सपोर्ट कर सकें। ये हमारी मदद करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और जो भी समाज में डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स हैं उन्हें दूर करने के लिए। तो सलमान का स्टेटमेंट में ये कहा गया और इक्वल राइट देने की बात की गई 1999 में। अपने देश में क्या है कि एजुकेशनल को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को क्या है, फ्री शिक्षा दी जाएगी और जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके लिए ये एज है 6 टू 18 ईयर्स। ये किसने कहा था, RTE 2009 में। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए एजुकेशनल फ्री एजुकेशन की क्या एज है, वो है 6 टू 18। ठीक है, ये बात कही गई थी RTE 2009 में। ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि इन बच्चों की एज क्या है और जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं इनकी क्या एज है फ्री एजुकेशन पाने के लिए, तो आप ये ध्यान रखना। चलो, कौन सी डिसेबिलिटी आती हैं सैन लर्नर्स के अंदर, तो ये आती हैं विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिन्हें सुनने में दिक्कत होगी, और विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिनमें देखने में दिक्कत होगी, स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिनमें बोलने में दिक्कत होगी, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिनके कोई लिम्स में दिक्कत होगी, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिन्हें कम्युनिकेटिव या बिहेवियरल कोई डिसेबिलिटी होगी, लर्निंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिसमें लर्निंग कोई डिसेबिलिटी होगी, डिसलेक्सिया या हाई लेवल ऑफ डिसफेसिया, तो उसमें वो पढ़ाई करने में उन्हें प्रॉब्लम होगी और हमें उनके लिए स्पेशल नीड की जरूरत पड़ेगी। मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, जब दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी हो किसी इंडिविजुअल में, तब हम कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी। चलिए,
डाइवर्स नीड्स ऑफ सैन लर्नर्स, कि नीड क्या क्या है इन बच्चों की, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, एजुकेशनल नीड्स हैं इनकी, सोशल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं और वोकेशनल नीड्स हैं। चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल नीड में क्या है कि इनको कोई फिजिकल तौर पे इनकी किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी और वो हो सकता है थोड़ी कम हो और हो सकता है वो थोड़ी ज्यादा हो, तो इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई सपोर्टिव या असिस्टिव डिवाइस दे सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्कूल में सबसे पहले डिटेक्शन हो, जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उसका इलाज करने में उतनी हेल्प होगी। डायग्नोसिस हो, क्लासिफाई कौन करेगा, क्लासिफाई हमेशा डॉक्टर्स ही करेंगे, सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स करेंगे कि उसको कौन सी दिक्कत है, उसे जेनेटिक दिक्कत है या उसका एक्सीडेंट हो गया उसके कारण कोई डिसेबिलिटी है या किसी को पोलियो हो गया उसके कारण है, तो सभी डिसाइड करेंगे मेडिकल, वही अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो किसी को सर्टिफाई करेंगे कि इसमें 40% डिसेबिलिटी है या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन किसी भी डिसेबिलिटी का, किसी भी प्रॉब्लम का बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी डिसेबिलिटी को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें तो उसमें सेकेंडरी डिसेबिलिटीज आने के चांस कम होंगे और उसका इलाज भी जल्दी हो पाएगा। और फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें प्रोस्थेटिक प्रोवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या है, सब असिस्टिव और सपोर्टिव डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो उन्हें असिस्ट करेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी नॉर्मल एक्टिविटीज करने में ताकि उन्हें उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे कि आप दीवारों में रेलिंग्स लगा सकते हैं, रैंप्स हो एंट्री और एग्जिट पे ताकि अगर कोई बच्चा व्हील चेयर से आए तो उन्हें दिक्कत ना हो, और जो डोर्स हैं वो अच्छे खासे वाइड होने चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम काउंसलिंग होनी चाहिए और गाइडेंस दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले और वो आगे पढ़ाई अच्छे से कर सकें विदाउट थिंकिंग ऑफ देयर डिसेबिलिटी। ओके, और ये कौन करेगा, ये बस प्रोफेशनल्स ही करेंगे और पीएचडी में टीचर्स भी कर सकते हैं, बट प्रोफेशनल्स की राय लेना इज मच बेटर, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की राय लेना इज। चलिए नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल नीड्स क्या है ऐसे बच्चों की, एकेडमिक्स क्या है सबके लिए इम्पोर्टेंट है और ये सभी को मिलना चाहिए। सैन लर्नर्स के लिए एजुकेशन में क्या होना चाहिए, सपोज कोई विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास होनी चाहिए। विजुअली इम्पेयर्ड उसे कहेंगे जब मैक्सिमम करेक्शन के बाद भी किसी का विजन 6/60 हो, ठीक है, तो इसमें क्या मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकते हैं, वो उन्हें देखने में दिक्कत ना हो, जो बुक्स होंगी वो बिगर फॉन्ट में होगी ताकि उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेन देके ना पढ़ना पड़े, उन्हें आराम से फॉन्ट समझ में आ जाए। टैप रिकॉर्डर्स होने चाहिए जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो इजीली सुन सकें। ब्रेल सिग्नल्स होने चाहिए हर जगह, डोर्स पे, एंट्री पे, एग्जिट पे, जैसे लिफ्ट में देखा होगा आपने, एटीएम पे देखा होगा, तो स्कूल्स में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वो अपने आप ब्रेल को समझ के अपने काम खुद कर सके। फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, उन्हें पिक्चर्स दिखा सकते हैं हम, वीडियोज दिखा सकते हैं, वीडियो का करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, फ्लैश कार्ड्स दे सकते हैं हम उन्हें, मैप की मदद से उन्हें पढ़ा सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं जो कि हम हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए कर सकते हैं। और सभी के लिए क्या जरूरी है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस होना, ये भी पढ़ाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, प्रॉपर गाइडेंस से और काउंसलिंग से ये दिक्कत दूर हो सकती है। रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसी टीचिंग चाहिए, फर्स्ट डायग्नोस्टिक टीचिंग करो कि किसी क्या दिक्कत है, फिर रेमेडियल टीचिंग करो, रेमेडी का मतलब होता है दवाई, तो उसे वही चीज पढ़ाना जिसमें उसे दिक्कत है ज्यादा। 1-to-1 इंस्ट्रक्शन हो क्योंकि सबकी नीड्स अलग अलग है, तो टीचर्स को चाहिए कि सबकी नीड्स समझे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी अलग से उसको इंस्ट्रक्शंस दे और उसकी बातों को समझे कि उसे नीड क्या है, ठीक है, तो 1-to-1 इंस्ट्रक्शन होना भी बहुत जरूरी है। सैन लर्नर्स का पार्टिसिपेशन करवाए हर एक कॉम्पिटिशन्स में या जो भी एक्टिविटी हो रही है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। ये इनको क्या देगा, इनको मोटिवेट करेगा कि दे आर नॉट लेस देन एनीबडी, दे आर जस्ट इक्वल। टीचिंग में इनोवेटिव मेथड यूज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव मेथड यूज हो, R&D होती रहे ताकि हम उनकी लाइफ को जितना हो सके उतना आसान कर सकें और उनकी पढ़ाई भी फिर ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। सबसे जरूरी क्या है, फाइनेंशियल एड भी देना, अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो उसको फाइनेंशियल एड्स देना और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। क्यूरिकुलम डिजाइन, अब सभी बच्चों के लिए आप एक जैसा क्यूरिकुलम तो डिजाइन कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है कि जो सैन लर्नर्स है उनके लिए आप क्यूरिकुलम में थोड़ा अलग डिजाइन हो, ठीक है, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। चलिए सोशल नीड्स के बारे में पढ़ते हैं। सोशल नीड्स क्या है कि हमें सोसाइटी में बताना है, सोसाइटी में क्या है, बहुत ही समाज में क्या है, कई बार जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं चिल्ड्रन उनको बहुत दयालु भावना से देखते हैं ना, पर ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस उन्हें इक्वली ट्रीट करना है और उनके लिए जितना भी हो सके सोसाइटी में ऐसे असिस्टिव एड्स होने चाहिए, ऐसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें और वो भी सोसाइटी का इक्वल पार्ट है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें जो सैन लर्नर्स उनको ऐसे भी पढ़ाना कि ताकि उन्हें भी लगे वो सोसाइटी का इक्वल पार्ट है और पूरी तरह से उन्हें सोसाइटी में जाके आगे कॉन्ट्रीब्यूट करना है। हमें ये सब इसलिए करना है ताकि हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला सकें, मेन धारा में ला सकें उन्हें।
समाज में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जा सके और जो उनके राइट्स हैं, जो सबसे मेन है राइट्स देना, ठीक है, उन्हें इक्वल राइट्स मिले। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंटली एबल हैं तो आप उनके राइट्स हटा देंगे, वो भी इक्वल हैं, वो भी कंट्री के नागरिक हैं, उन्हें भी पूरा हक है, उन्हें भी पूरा राइट है, दे आर जस्ट इक्वल, ओके। उन्हें कम आंकना कोई भी समझदारी की बात नहीं है समाज के द्वारा। सोसाइटी को क्या करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए टाइम टू टाइम, और ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी का हक हो सैंड लर्नर्स को भी। डिसीजन में टाइम में उन्हें क्या, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कंपलसरी रखी जाए। ये नहीं आप किसी से बिना पूछे काम कर लो, जो भी समाज में काम हो, सोसाइटी लेवल पे काम हो, हर एक की राय लेना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इमोशनल नीड्स क्या है, इमोशनली किसी को सपोर्ट करना ये बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो ये इमोशनल नीड्स ऐसे बच्चों को कहाँ से मिल सकता है, उनकी खुद की फैमिली से मिल सकता है, टीचर से जो कि सबसे ज्यादा मिल सकता है, और सोसाइटी से। तो ये सब चीजें हैं जहाँ से सैन लर्नर्स को इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। और नॉर्मल लाइफ में भी हमने क्या देखा है, जब कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है, इमोशनली किसी को बैकअप मिलता रहता है, साथ मिलता रहता है, तो कोई भी दिक्कत हो लाइफ में उसे आसानी से हराया जा सकता है। और ये हमें क्या करता है, लाइफ में कुछ भी अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। सपोज कई बार होता है ना कि कोई स्ट्रेस में होता है और अगर कोई से बात ना करे तो वो अंदर ही अंदर घुटता सा रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वे में भी क्या है, हमें एक दूसरे का इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की दिक्कत समझनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इमोशनल सपोर्ट क्या करेगा, उन्हें साइकोलॉजिकल बेस पे बहुत स्ट्रांग बनाएगा। और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं है तो लाइफ में कुछ भी अचीव करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अंदर से अगर डिटरमाइंड हो, आप अंदर से मोटिवेटेड हो, आप में इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन अंदर से आते, भीतर से आते, ठीक है, तो आपको लाइफ में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इमोशनल सपोर्ट देना, ताकि उसकी जो मनोवैज्ञानिक दशा है, साइकोलॉजी है उसकी, वो अच्छे से मेंटेन रहे किसी के भी माइंड में। और ये नॉर्मल सबके लिए ही अप्लाई होता है, जब वो साइकोलॉजिकली तौर पे अच्छे रहेंगे, उनकी उनका माइंड बैलेंस रहेगा तो उनमें पॉजिटिविटी आएगी, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेशन आएगा, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, जब सोसाइटी में उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो उनमें ये सब चीजें नॉर्मली आएगी। तो ये सब किसमें हेल्प करेगा, जो उनमें डिसेबिलिटी है उस पे जीत दिलाने में उनकी हेल्प करेगा, उन्हें लगेगा कि सभी सपोर्ट में है। और जो उनकी डिसेबिलिटी से उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी किसी में आ जाती है तो उन्हें दूर करने में ये सब चीजें उसकी हेल्प करेगी। वोकेशनल नीड्स क्या है, वोकेशनल जॉब दिलवाना सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई का सबसे जरूरी पार्ट क्या होना चाहिए कि पढ़ने के बाद कोई भी इंडिविजुअल जॉब कर सके, ताकि वो क्या है लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंस हो उसके। तो ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम है जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को ट्रीट करते हैं, जैसे ITIs होती है ना, तो क्या होता है उसमें पढ़ के बच्चे उनकी आसानी से जॉब लग जाती है। हमारी गवर्नमेंट में क्या है, इनके लिए प्रॉपर रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट पे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूट्स में क्या है, 4% 4% रिजर्वेशन है स्टेट एंड सेंट्रल जॉब्स में। और ये ड्यूटी भी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की बनती है कि ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज को पहचाना जा सके जिसमें ये सैन लर्नर्स आसानी से काम कर सके, ठीक है। तो इसलिए वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत जरूरी है सभी के लिए, सैन लर्नर्स के लिए तो और जरूरी है, क्योंकि जब वो पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे जॉब एजुकेशन के बाद, तो ये ऑफकोर्स सबको डिपेंडेंसी देता है ना, मोटिवेट करता है उन्हें और अच्छा काम करने के लिए, और उन्हें पॉजिटिविटी देगा। तो इसलिए वोकेशनलाइजेशन पढ़ाई का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर जॉब नहीं मिल रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, चाहे वो कितने भी आए, पर सेल्फ डिपेंडेंसी बनी रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या देंगी, सैन लर्नर्स को मोटिवेट करेंगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज करेंगी उनमें, और जो उनमें नेगेटिविटी है कोई डिसेबिलिटी के लेके, प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम चलाए जाने चाहिए। सोसाइटी में एक वेल बैलेंस होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करने की भावना होनी चाहिए। और इन सबसे क्या है, हम सैन लर्नर्स के लिए एक अच्छा प्रेजेंट और फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये सब था सैन लर्नर्स या लर्निंग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। आप मेरे चैनल पे जाके और भी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं जिसमें NCERT कंटेंट और BEd से रिलेटेड कंटेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।